बच्चों कैसे हैं सब? ठीक? वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी झा आ गई फिर से आपके लिए, आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास लेके। बच्चों अभी हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन, जो क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास कर लिया है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, हाउ टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, सेम थी है, हाउ टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल, तो हम लोगों ने कर लिया। आज हम लोग क्या करेंगे, नया स्टार्ट करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन। ठीक है, अल्केन में क्या होता है, हेलोजनेशन होता है, हेलोजन के साथ अल्केन क्या करता है, रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड बनाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये किसके प्रेजेंस में होता है, हीट और लाइट के प्रेजेंस में होता है। तो मैं लिख के दे देती हूँ आप लोगों को, नोट कर लीजिएगा, द हेलोजनेशन ऑफ अल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन विथ किसके साथ, हेलोजन के साथ, हेलोजन्स के साथ, हेलोजन्स की हेलोजन के, हेलोजन्स के साथ जब इसका हेलोजिनेशन किया जाता है, हेलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या होता है, कैसे, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट, ठीक है, सनलाइट, इसको ऐसे एच भी से कर सकते हैं। ठीक, हीट एंड लाइट प्रोड्यूसेस क्या बनाता है, प्रोड्यूसेस अल्काइल हैलाइड, जिस जो हमें चाहिए, अल्काइल हैलाइड। आ गई बात समझ में? अब चलो इसको करके देखते हैं, जैसे RH, ठीक, इसका हम करेंगे एडिशन करेंगे हेलोजन का, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या करेगा, एक ये क्लोरीन चला जाएगा इस पे और H क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो ये आ गया RCl प्लस HCl। ये कैसा होता है, ये होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनता है, क्या से बनता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से बनता है। लेकिन ये जो है इस हिसाब हेलोजिनेशन के द्वारा जो होता है, जो मिलता है अल्काइल हैलाइड, ये लैब में प्रेफरेबल नहीं है। बिकॉज क्यों प्रेफरेबल नहीं है पूछिएगा, बिकॉज ये जो है मिक्स प्रोडक्ट बनाता है, क्या बनाता है, मिक्स प्रोडक्ट। आप इसको बैठा के देखते हैं, देखिए ये मान लीजिए मिथाइल हुआ, CH4 होता है ना, प्लस यहाँ Cl2, सनलाइट HB क्या बना दिया, एक हेलोजन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, उसके जगह पे क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, अब प्लस HCl बनाया ना। अगली बात समझ में? लेकिन ये क्या है, इट इज नॉट प्रेफरेबल इन लैब। ये तो ये बोलेगा ये कैसे बना, कहाँ बनेगा, तो ये इंडस्ट्रियल एरिया में जो है, इंडस्ट्रियल मेथड में, इंडस्ट्री में अच्छा से बनेगा, इंडस्ट्रियल मेथड जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग मेथड भी कहते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, इट इज नॉट प्रेफरेबल, यानी दिस रिएक्शन इज नॉट प्रेफरेबल इन लैब, इट इज प्रेफरेबल इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज मेथड, इसे हम क्या कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मेथड, मैन्युफैक्चरिंग मेथड। अब बोलिएगा क्यों नहीं प्रेफरेबल है, बिकॉज बिकॉज ऑब्टेन मिक्स प्रोडक्ट,
मिक्स्ड प्रोडक्ट डॉट। आगे बात समझ में? अब चलो करके दिखाओ। चलिए CH4 प्लस Cl2 लाइट क्या हो जाएगा? CH3 Cl प्लस HCl। ये फिर क्या करेगा? फिर Cl2 के साथ रिएक्शन किया इस लाइट में और क्या बना दिया? CH2Cl2 प्लस HCl। ये था मोनोक्लोरो मीथेन, मोनोक्लोरोमीथेन या क्लोरोमीथेन बोल सकते हैं। ये क्या हो गया? डाइक्लोरोमीथेन हो गया ना, डाइक्लोरोमीथेन। अब फिर ये क्या किया? सनलाइट में Cl2 के साथ रिएक्शन कर लिया। क्या कर लिया? यहाँ H को हटाया, Cl आ गया वापस, ये बन गया CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन। फिर HCl निकल गया वापस, फिर इसके साथ क्या किया? रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में Cl2 के साथ रिएक्शन किया और फिर क्या बनाया गया? CCl4 प्लस HCl निकल गया। मिक्स प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो एक ही में हो जाए, ये लैब में अवेलेबल नहीं है, इसमें बहुत खर्चा है, इसलिए ये इंडस्ट्री में बनता है। ये क्या बन गया आपका? ये क्लोरोमीथेन हो गया। हो गया क्लोरोमीथेन, ये हो गया डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ये ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ये टेट्राक्लोरोमीथेन। ये मिक्स प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। आगे बात समझ में? ये साइड से क्या क्या मिला हमको? बाय ट्राई टेट्रा क्लोरोमीथेन या क्लोरोएथेन या जो टेट्रा हेलाइट हमें, ये बाय ट्राई टेट्रा हेलाइट हमें प्राप्त होता है। ठीक, तो ये सही तरीका नहीं, लैब प्रेफरेबल मेथड नहीं है, ये एल्केन का हेलोजिनेशन करके अल्काइल हेलाइट बनाना। सेम वे होता है किसका? ब्रोमिनेशन का। चलिए मैं दिखलाती हूँ आप लोगों को। सेम मेथड है ब्रोमिनेशन, अगर ब्रोमिनेशन करेंगे तो सेम होगा। क्या आ जाएगा? यहाँ CH3 और Br प्लस HBr। आगे बच्चों समझ में बात आ गई? चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए CH3 प्लस Cl2। अब बताते हैं इसमें दो तरह से हेलोजिनेशन होगा, अल्काइल हैलाइड बन सकता है, वो कैसे वो देखते हैं। ये क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। क्या हो गया? प्रोपेन, मालूम है ना, डबल सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया प्रोपेन। अब ये इसका साथ करके देखते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा। ये अगर इस कार्बन पे आ गया, ये कार्बन अगर किस पे आया आपका? इस पे आ गया Cl। दो तरह से होगा, चाहे ये क्लोरीन यहां पे जाएगा और इसके एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा ना, सब्स्टिट्यूट करके वहां से हटा देगा और इस पे आ जाएगा। तो क्या बन गया यहां पे? CH3CH, यहां Cl CH3 और प्लस HCl निकला HCl। और या तो दूसरा क्या बनेगा, ये इसके एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और इसकी जगह पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां निकल के Cl के साथ कट जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3CH2CH2Cl। यहां Cl हो गया। अब देखिएगा स्टेबल कौन है, कौन बनेगा मेजर प्रोडक्ट, कौन बनेगा माइनर प्रोडक्ट।
अब ये देखो ऐसी है, अब इस पर से एक अगर क्या निकल गया, यहां से अगर एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये पे आ जाएगा कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, ये बन गया कार्बोकेटायन, बन गया ना, क्या बन गया कार्बोकेटायन। अगर इस केस में आया तो इस पर से बन गया तो ये हो गया कार्बन, इस केस में ये हो गया कार्बोकेटायन और इसमें क्या हो गया, ये हो गया कार्बोकेटायन, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन एंड ये क्या हो गया 1 डिग्री कार्बोकेटायन। इधर दोनों तरफ से मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, इधर से एक तरफ से, तो स्टेबिलिटी क्या होता है, तो हम बताए थे फ्री रेडिकल एंड कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी क्या होता है, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी और कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी क्या होता है 3 डिग्री greater than 2 डिग्री greater than 1 डिग्री, तो स्टेबल कौन हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, सही हो गया, ये बना मेजर प्रोडक्ट और ये हो गया माइनर प्रोडक्ट, क्या हो गया, ये माइनर प्रोडक्ट। आ गई बात समझ बच्चों, तो सेम वे किसका होता है, हेलोजनेशन में, जैसे क्लोरीन का हुआ क्लोरीनेशन के सेम वे होता है हम लोग का, किसका ब्रोमिनेशन का, अगर हम ब्रोमीन यहाँ पे लाके करेंगे तो क्या होगा, यहाँ रख दो Br, तो जहां जहां Cl डाले हो यहाँ रख देंगे हम लोग Br, ये हो गया Br, यहाँ हो गया Br, ये हो गया Br, बट आयोडिनेशन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, उसमें होता है कैसा रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन, चलिए मैं बता देती हूँ इसके बारे में, आयोडिनेशन, ठीक, देखे CH4+I2 के सेम आया, क्या आएगा CH3I+HI, आ गया ना, लेकिन क्या होता है ये रिवर्सिबल होता है, वो कैसे, रिएक्शन वो कैसे, तो एच आई इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या करता है वापस इसके साथ इसको क्या करता है, इसे एच आई को, आई को रिड्यूस करके वापस इसको क्या करता है, इसको वापस CH4 बना लेता है। तो अब हमको आयोडिनेशन करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी, हमें जरूरत होगी 4 बीटा बेटाइल, 4 बेटाइल वी यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HIO3 और HNO3। अब ये क्या होगा, ये वापस क्या हो जाएगा, मान लीजिए 3HIO3 बैलेंस करने के लिए प्लस 3HI, ठीक, क्या हो जाएगा, बन जाएगा हमको 3I2+3H2O, बन गया, हो गया, तो इसीलिए आयोडिनेशन करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग ऐसे एजेंट की जरूरत होती है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा हाउ टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन, समझ में आ गए बच्चों, और जो नहीं समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, मैं फिर से समझाऊंगी, मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, टेक केयर, बाय।